कहते हैं फिल्म जगत, सिने जगत एक ऐसा जगत है जहाँ महिलाओं को दबके रहना पड़ता है, महिलाओं को झुक के रहना पड़ता है। कहते हैं एक्टर और एक्ट्रेस एक ऐसे वो सितारे हैं जो हमें दुनिया जैसा दिखते हैं वैसा नहीं, उसके लिए उन्हें बहुत कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं उनके फिल्म के प्रमोशन के लिए और सारी चीज़ों के लिए। लेकिन तनिष्ठा ने जो कदम उठाया और कृष्णा को जैसा जवाब दिया उस कदम के लिए, वो इतना बोल्ड स्टेप था कि अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए जाना और एक रेसिस्ट कमेंट के लिए उठना और उठ के वॉकआउट करना है कि हमें ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, हम जा रहे हैं, ऐसी हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। और तब तो बिल्कुल भी कम लोग करते हैं जब पर्दे पर उनकी फिल्म आने वाली हो और एक ऐसी फिल्म आने वाली हो जिसे लेकर के पहले ही ये दुविधा हो कि वो फिल्म हमारा जो समाज है वो कितना एक्सेप्ट करेगा कितना नहीं। नेशनल दस्तक की टीम की तरफ से और खासकर फीमेल टीम की तरफ से तनिष्का आपको बहुत बहुत बधाई, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद कि आपने ये किया। मैं नवाज को जरूर बोलूंगी ये कि आपने ये किया। हाँ। ये बहुत एक बोल्ड स्टेप है। ठीक है, मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि एक तो आप उस मसले पे मुझे पूरी बात बताएं, मेरे दर्शकों को बताएं, और दूसरे ये जब आप स्टेप ले रही थी कि आपको वॉकआउट करना है, आपको उठना है, तो क्या आपके जहन में कुछ ऐसा चल रहा था कि यहाँ से उठना, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ अमिताभ बच्चन भी आते हैं अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, तो वहां से उठते वक्त आपके दिमाग में क्या था? ऐसा कुछ सोच के नहीं किया कि ये बोल्ड स्टेप है। मेरे लिए बहुत नॉर्मल स्टेप था कि एक ऐसे शो में मैं गई थी अपनी फिल्म पार्ट्स प्रमोट करने के लिए जो एक्चुअली फीमेल सेक्सुअलिटी, एम्पावरमेंट, इन सब चीज़ों को लेकर बातचीत करती है। और उस शो में आप कलर बायस के ऊपर जोक्स, रेप के ऊपर जोक्स, ऐसी चीज़ें मतलब हो रही है और मैं बैठ के उसको देख रही हूँ, विटनेस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए वो प्लेटफॉर्म चाहिए। मुझे लगा वो डबल स्टैंडर्ड है और मैं इस चीज़ का पार्ट नहीं हो सकती, इसलिए आई जस्ट वॉक्ड आउट। इट वॉज एज सिंपल एज दैट फॉर मी। और बहुत लोगों को ये लगा कि ओ हो, तनिष्ठा के साथ कितना बुरा हो गया, उसके बारे में ऐसा कहा गया। एक्चुअली इट वॉज नॉट अबाउट दैट। मेरे बारे में तो बुरा कहने का इमेजिनेशन ही नहीं है उनको। वो कहते तो मैं उल्टा उनको मजाक में जवाब भी दे देती। वो ये चीज़ थी ही नहीं, मुझे इंसल्ट करने की चीज़ ही नहीं थी। वो एक ऐसी चीज़ थी जो सालों से हम लोग जो प्रेजुडिसेस है ना औरत को लेकर और सेक्सुअलिटी को लेकर, कलर को लेकर, स्किन टोन को लेकर, जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, वो एक नेशनलाइज्ड टीवी पे विदाउट एनी इमेजिनेशन हम ऐसे सड़े हुए जोक्स बोल रहे हो, तो मुझे वो बहुत टेस्टलेस लगा। और 2016 के इंडिया में हम लोग अभी भी बैठ के इसको झेलेंगे, मुझसे नहीं झेला गया, इसलिए मैं वॉकआउट करके चली आई। और जो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इतना सपोर्ट आया उसके बाद, और मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी को लेकर जो शेमिंग है वो औरत के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे ऊपर बचपन से ये कंडीशनिंग डाला जाता है कि आपका टैलेंट, आपकी पर्सनालिटी, आपका एजुकेशन कुछ भी मायने नहीं रखता, सिर्फ आपके लुक्स मायने रखते हैं। यहाँ पे फेयर एंड लवली और इन सब चीज़ों की, फेयरनेस क्रीम्स की एड्स होती हैं जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि एक लड़की जो देखने में अच्छी नहीं है या मतलब गोरे रंग की नहीं है, उसको नौकरी नहीं मिलती है, और जैसे वो फेयरनेस क्रीम लगाती है उसका कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये सब जो बकवास चीज़ें हैं ना, ये स्पेशली लड़कियों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि उनका इंडिपेंडेंस, उनकी कॉन्फिडेंस चली जाती है। वो सिर्फ सोचते हैं कि मैं पतली हूँ या मोटी हूँ या काली हूँ या गोरी हूँ या मेरे स्ट्रेट बाल है या कर्ली बाल है, इसी से मेरा कॉन्फिडेंस और मेरे दुनिया में मेरी आइडेंटिटी होगी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये 2016 के इंडिया में जहाँ हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैंने ये बोला कि नहीं होना चाहिए, एंड ये आई थिंक ये मूवमेंट होते रहना चाहिए। हर औरत को इसके बारे में बात करनी चाहिए कि मेरे बॉडी को लेकर मैं बहुत प्राउड हूँ, कंफर्टेबल हूँ, लेकिन मुझ में बॉडी छोड़ के भी बहुत कुछ है सेलिब्रेट करने लायक, है ना। तो एक लड़का अगर IIT में जाता है ना, उसकी ज़िंदगी बन जाती है, लेकिन एक लड़की जाती है तो फिर भी उसको ये लगता है कि लेकिन मैं खूबसूरत हूँ कि नहीं, मेरी शादी होगी कि नहीं। मतलब लड़के को भी कभी नहीं लगता, उसको बचपन में ये नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है तुम्हारा दिमाग दिमाग दिमाग, तुम जो काम करोगे, पढ़ाई करोगे, वो प्रेशर होता है। तो मुझे वो बॉडी शेमिंग को लेकर ऐसा लगा कि क्योंकि मैं एक औरत हूँ और मुझ में वो कॉन्फिडेंस है कहने की, तो मैं कहूँ।
एक जो नॉर्मल हम देखते हैं, एक फिनोमेना देखते हैं कि जो हमारा जो बॉलीवुड है, ठीक है, हिंदी सिनेमा हो या टीवी की दुनिया हो, एक्टर एक्ट्रेस की दुनिया हो, तो वहाँ जब हम देखते हैं तो हम कद काठी से लेकर के बॉडी से लेकर के फिजिक्स से लेकर के बाकी सारी चीज़ों को हम देखते हैं, है ना, कि वो सारा कुछ होना चाहिए, वो बड़ा परफेक्ट होना चाहिए, बड़ा वो सब होना चाहिए और सारी चीज़ें, ये क्यों है? क्या बॉलीवुड इन चीज़ों को इसलिए लेता है क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसे प्रिजर्व करती है, ऐसे चीज़ों को चाहती है? क्योंकि देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो हम जब बात करते हैं या नॉर्मली जब हम कुछ लिखते पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा सिनेमा और साहित्य जो है वो हमारे समाज का आईना होता है, वो वही दिखाता है जो समाज में होता है। लेकिन अगर आज के दौर में हम देखें तो हम अपने आसपास के लोगों को ये पाएंगे कि वो टीवी की दुनिया से, फिल्म की दुनिया से, फैशन से लेकर के उठने बैठने के तरीके से इंस्पायर्ड होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो ये चीज़ें हो रही हैं, जो कलर को लेकर के, पहनावे ओढ़ावे को लेकर के जो मीडिया एक रख रहा है, खासकर बॉलीवुड या टीवी वगैरह, क्या ये सोसाइटी को इफेक्ट करती है या ये सोसाइटी से इफेक्टेड है? मुझे लगता है पहला जो आपने कहा वो है कि पॉप कल्चर जो है ना, वो किसी भी दुनिया में, हिस्ट्री में अगर देखेंगे, वो जो हम क्रिएट करते हैं ना, हम क्रिएट करते हैं पॉप कल्चर, उस पॉप कल्चर से लोग सीखते हैं। अगर आप, तभी तो वो कल्चर कहा जाता है। वो लोग इंस्टिंक्टिवली उस चीज़ को लेकर पैदा नहीं होते कि मुझे यही पसंद है। वो सोशली और कल्चरली लोगों को दिखाया जाता है, वो इमेजेस जो हैं सालों से, बचपन से आपको दिखाया जाता है, तभी जाके आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए। तो मैं हाल ही में 2 साल पहले शांति निकेतन में शूट कर रही थी एक फिल्म, तो वहाँ पे एक साइकिल रिक्शा वाला मुझे रविंद्रनाथ टैगोर के बहुत मुश्किल पोएट्री जो है वो बता बता के कह रहा था कि यहाँ जब वो इस ज़माने में उसने ये लिखा था, उन्होंने ये लिखा था इस कॉन्टेक्स्ट में, उन्होंने इंग्लिश पोएट येट्स के साथ ये किया था। और वो एक रिक्शा ड्राइवर था, साइकिल रिक्शा चलाता है, 5th स्टैंडर्ड तक उस पढ़ा हुआ है बस। तो मैंने उसको कहा कि अरे तुम रिक्शा क्यों चला रहे हो, तुमको इतना मालूम है सब इस पेंटिंग के बारे में, उस पोएट्री के बारे में? उसने कहा यहाँ सबको मालूम है। इसका मतलब क्या है? वो पॉप कल्चर है। तो पॉप कल्चर मतलब ये नहीं कि हम जो कहते हैं लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर और ये वो जो लेजीनेस है ना, जो क्रिएट करते हैं उनका लेजीनेस है। उनको कुछ और आता नहीं है तो वो कहते हैं लोग ये चाहते हैं तो यही बकवास दो उनको। आप अच्छी चीज़ उनको दोगे एंटरटेनमेंट के फॉर्म में तो वो वही सीखेंगे ना बचपन से, उनके लिए वही पॉप कल्चर होगा। एक ज़माने में बीटल्स पॉप कल्चर था, बीटल्स के लिरिक्स और म्यूज़िक देखिए वो कितना इवॉल्व्ड है, किस किस फिलोसॉफिकल चीज़ों के बारे में बात करती है। टैगोर म्यूज़िक पॉप कल्चर थी या हाँ, हमारे जो पुराने गाने हैं हिंदी फिल्मों के वो पॉप कल्चर थी ना, तो लोगों को सबको आता था वो। ये नहीं कि उसको मतलब गंदगी फैलानी है या बहुत क्रैश चीज़ें करनी है, वो तो क्रिएटर जो है वो करते 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 उस लेवल पे लेकर आए हैं ना। क्योंकि आप को अगर जर्मन भाषा नहीं समझ में है तो आप वो जो कैसे समझोगे? भाषा तो आपको सिखानी पड़ेगी बचपन से ना। तो कल्चर इज ऑल्सो द सेम थिंग, जो कल्चर दे रहे हैं लोगों को, वो अगर लोगों को वही कल्चर देंगे बचपन से तो उनको वही पसंद आएगा, अगर वो कुछ अलग देंगे तो उनको वो पसंद आएगा। नया एक तरह से ये कहना चाहते हैं कि जो मान्यताएं हैं, सामाजिक मान्यताएं हैं, जो जड़ताएं हैं, उनको टूटने की ज़रूरत है, खासकर फीमेल्स को लेकर के। और तो वो जो है हमारे आर्टिस्ट पे निर्भर है, हमको तोड़ना है वो, क्योंकि वो समाज की जो चीज़ें जो जकड़ी हुई होती है और प्रेजुडिसेस होती है उसको तोड़ने का गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो तो करते हैं, लेकिन एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो हम लोगों की भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पॉपुलर मीडियम के थ्रू उन चीज़ों को तोड़े। टीवी पे जो हम आजकल सीरियल्स देखें, जब हम धारावाहिक देखते हैं और ख़ासकर जब हम कॉमेडी शोज जो जितने आ रहे हैं आजकल के, वो सच में बहुत वल्गर हो गए हैं। उनके उनके जो मजाक का सबसे फूहड़ तरीका है ना, उनको लगता है कि मजाक सिर्फ डबल मीनिंग स्टैंडर्ड के होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम दुनिया को हंसा सकते हैं तो सिर्फ महिलाओं पे जोक्स बना के, ठीक है कि बीबी ने त्रस्त कर दिया, ठीक है बीबी के होंठ बड़े हैं, दांत बड़े हैं और उस पे बाकी के जो को एक्ट्रेस हैं, ठीक है एक बिजनेस पॉइंट भी उसे, या अपना घर चलाने के लिए,
या हम इंडस्ट्री में आए हैं तो हमें एस्टेब्लिश होने के लिए बहुत सारे काम ऐसे भी करने पड़ते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता या हमें जो पसंद नहीं होता वो भी हम करते हैं। लेकिन क्या ये बंद नहीं होना चाहिए या क्या इन पे ये सेंसरशिप काम नहीं करना चाहिए कि आप इस तरह से औरतों का पे मजाक नहीं बना सकते? आपको दुनिया भर की चीज़ें हैं, उन पर हंसाइए हंसिए ना। रेसिस्ट हो गए कमेंट, फीमेल अगेंस्ट कमेंट हो गए, इन्हीं से ये लोगों को हंसाने का जो प्रयास करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे शोज बंद होने चाहिए? मुझे लगता है कि मैं सेंसरशिप पर बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ कि किसी भी चीज़ आप बंद करके उसको छुप नहीं करवा सकते। आप प्रोटेस्ट करके करवा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, प्रोटेस्ट जब करते हो तो ये डिस्कशन होती है। उस डिस्कशन से जो वो क्रिएट भी कर रहे हैं, हंस रहे हैं, उनको भी समझ में आनी चाहिए कि क्यों ये गलत है। आप बंद कर दोगे ना, बैन कर दोगे और सेंसर कर दोगे तो उनको समझ में भी नहीं आएगा, तो वो अपने ड्रॉइंग रूम में करेंगे। तो समाज से ये चीज़ें फिर नहीं जाएगी, सिर्फ ऊपरी ढंग से ये चीज़ें जाएगी। इसलिए मैं सेंसरशिप पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ। जब मैंने भी वॉकआउट किया उस शो से, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि वो एपिसोड बंद कर दो। मैंने कहा उसको दिखाओ, जो तुम्हारी मर्जी करो, लेकिन मेरी जो मर्जी मैं वो करूँगी। फिर तो फिर वो डिस्कशन हुई ना, दोनों साइड की डिस्कशन हुए। कुछ लोगों ने कहा नहीं मैं गलत हूँ, कुछ लोगों ने कहा कि, ज़्यादातर लोगों ने कहा कि मैं सही हूँ। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है, डिबेट है, डिस्कशन है, ये होना चाहिए हमेशा, नहीं तो हम बदल नहीं पाएंगे चीज़ों को। तो मैं बिल्कुल ये नहीं मानती कि उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो उनके अंदर की वो इच्छा है ना, तभी तो वो ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं और हंस रहे हैं उस पर। तो वो चेंज कैसे होगा? जब हम उनको बोलेंगे कि क्यों ये गलत है, तो उनका जैसे राइट है वो क्रिएट करना, हमारा भी राइट है उसको ना देखना या प्रोटेस्ट करना। तो हम अपने राइट पे अपना काम करेंगे, वो अपने राइट पे अपना काम करें। पार्श जब रिलीज हुई थी तो उस समय मैंने लीना जी का इंटरव्यू लिया था, तो मैंने ये उनसे पूछा था कि ये आइडिया कहाँ से आया, कहाँ से जनरेट हुआ। तो उन्होंने जिक्र किया था कि मैं और तनिष्ठा बैठे हुए थे, तनिष्ठा अपने एक सूट के दौरान गई थी और उन्होंने ये बोला कि गांव की औरतें हैं जो सेक्स को लेकर के उस पर ज़्यादा मुखर होती हैं, ज़्यादा बात करती हैं। अब मुझे तनिष्ठा से ये जानना है कि तनिष्ठा को ये आइडिया कहाँ से आया जो इतनी शानदार फिल्म बनी। मुझे वहीं से आया जहाँ मैं गई थी रोड मूवी की शूटिंग के दौरान, मैं कुछ औरतों से वहाँ मिली थी और मुझे उनकी कहानियाँ बहुत दिलचस्प लगी थी। मुझे ऐसा नहीं लगा था कि एक गांव में एक औरत होगी जिसके पास एक मोबाइल होगा, उसका एक लवर होगा, पर था ऐसा, ये सच कहानी है। तो मुझे वो बहुत लाइक मतलब चार्मिंग लगा कि मतलब हम लोग सोचते हैं ऐसा कुछ है लेकिन ऐसा नहीं है, तो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। तो मैंने शेयर किया और लीना एक बहुत ही सेंसिटिव, इंटेलिजेंट और केपेबल राइटर डायरेक्टर है, तो हम लोग बैठ के ऐसे बात कर रहे थे, कुछ साथ में करते हैं, वैसे बात करते करते कर लिया हमने पास्ट। नहीं, पास्ट की जो रानी है, है ना, हालांकि ये सवाल बहुत सतही भी हो सकता है और ये सवाल बहुत अंदर का भी हो सकता है। रानी का किरदार करते हुए क्या आपको लगा, क्योंकि आप एक अर्बन एरिया से आती हैं, आप एक ऐसी जगह से हैं जहाँ शायद इस तरह की चीज़ें, मैं एज ए फीमेल मैं ये मानती हूँ कि सबके, हर औरत की ज़िंदगी में संघर्ष है, ठीक है ना, लेकिन सबके अलग अलग हैं। जिस सोसाइटी से वो आती है उस सोसाइटी के एक अलग अलग सा। पास्ट की रानी का किरदार करते हुए आपको क्या महसूस हुआ? वो एक एक ऐसी चीज़ जिसने आपको बहुत अंदर तक ना, करने के बाद वो सीन आपको लगा हो कि क्या है लाइफ, ऐसे क्यों है? मैं जब सबसे पहले रानी से मिली थी, जब देव बेनेगल जी की फिल्म रोड मूवी शूट कर रही थी, तो मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्राइक किया उनकी आँखों में कि उनकी आँखों बहुत, मतलब रानी की आँखें इतनी खूबसूरत और इतनी सैड, दोनों एट द सेम टाइम, एंड वो चीज़ मेरे अंदर रह गई थी, इसीलिए मैंने लीना को ये कहानी बताई थी। तो मैं मतलब वो जो चीज़ मेरे अंदर रह गई ना 2-3 सालों से, उस चीज़ को लेकर ही मैंने शुरुआत की रानी को एक्सप्लोर करना। और एक मैंने इमेजिन किया एक औरत के लिए जो 16-17 साल की उम्र में विधवा हो गई, और हम टच और सेक्सुअलिटी और डिज़ायर, इन चीज़ों को लेकर कोई भाव ही नहीं देते हैं सोसाइटी में व्हेन इट कम्स टू अ वुमन। लेकिन आप ये सोचो कि 15-16-17 साल की एक लड़की जिसमें एडोलेसेंट एंड यौवन जो है वो उभर रहा है, उस उम्र में आप उसको बिठा देते हो और कहते हो आप विधवा हैं, अब आप बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये करो। और जिस उम्र में हम लोग इश्क करते हैं, मतलब वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, मैंने ये सोचा कि अगर ये मेरे साथ होता तो मैं क्या ज़िंदगी जीती, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसे हग करके कहा था कि पर 17 साल हो गए कि किसी मर्द ने मुझे छुआ नहीं, मेरा भी तो मन करता है ना, और ये कितना सच है। तो मैंने उस चीज़ से लीड लिया था कि मेरी आंखों में, मैं जब भी वो आंखें देखती हूँ
तो आंसू आ जाते कि इट्स सच अ इट्स सो पेनफुल, पर हम सोचते ही नहीं औरत के बारे में ऐसा। लिटरली मैं भी कांप गई सुन के, मुझे भी थोड़ी देर मतलब एहसास हो रहा है कि अगला सवाल मैं आपसे क्या पूछूं। मुझे एक और सवाल जानना है, क्या तनिष्ठा दोबारा पार्श जैसी मूवी करेंगी? बिल्कुल करूंगी, बिल्कुल एग्जैक्ट पार्श जैसे नहीं करूंगी, हाँ, कि वो कर लिया मैंने, लेकिन हाँ कुछ भी अगर पुशिंग द बाउंड्री और इंटरेस्टिंग हो, मैं हमेशा वही करती हूँ, वही करूँगी। मैंने जब तनिष्ठा को पढ़ा कि तनिष्ठा ने अपने फेसबुक पेज पे ये लिखा कि इस तरह का हुआ और मैंने वॉकआउट किया है, और उसके बाद फिर उसको देखा तो उसके बाद मुझे बहुत खुशी हुई थी, और मैंने अपने फेसबुक वाले से ये लिखा था कि तनिष्ठा चटर्जी आपने ये बहुत अच्छा किया है, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। हर फीमेल को जो आगे बढ़ रही है, जो काम कर रही है, जो लोगों से सोसाइटी से इंटरेक्ट हो रही है, उसके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि वो इन तमाम मान्यताओं, इन तमाम बेड़ियों को तोड़े जो सोसाइटी ने उस पर लगा रखे हैं, जो ठप्पे उस पर लग रखे हैं, उन्हें तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक आप वास्तव में समानता और हक के अधिकार की लड़ाई पाएंगे नहीं। कैमरामैन रैन के साथ मैं श्वेता यादव, नेशनल दस्तक, नई दिल्ली।